Hey guys, good morning from my house. तो अभी फ़िलहाल हम लोग जाने के लिए रेडी हैं. ये रहा मेरा सामान, ये है जीवी रेसिंग का टॉप बुक. इसका ऊपर हमको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि वह ये कि मेरा सामान शॉर्टेज पर गया. ये रहा मेरा टैंक बैग और ये मेरा एक वाइफ का बैग जो हमको छोटा सा लेना पड़ा. और अभी मेरा बाइक फुल रेडी है. यह है मेरा बाइक का वॉक अराउंड. हाँ, अभी सभी कुछ रेडी है फ़िलहाल, अभी बस निकलना है. तो फिर मिलते हैं. हे गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मी गोइंग टू बिहार टू मीट माय नानी. हाँ, तो बेसिकली हम बिहार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको मेरा नानी से मिलना है. ऑलमोस्ट 15 साल हो गया हम लोग नहीं मिले, और उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आके मिल ले. तो फिर हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम मिल पाएँ, क्योंकि मेरा नानी का एज भी हो गया है. शी इज़ इन हर 90s. तो अभी नहीं मिलेंगे तो फिर और कभी मिल भी नहीं पाएंगे. सो लेट्स गो. जस्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर एवरी वन कि अभी बज रहा है 4:30. होपफुली मेरा पहुँचते शाम में 7 हो जाए और हम अपना ट्रिप मीटर दोनों ही रीसेट करके 0 कर दिए हैं. तो अभी जो 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है ये मेरा घर से निकला हुआ हो गया है. तो अभी देखते हैं, ये वीडियो लंबा होगा, हाफ एन आवर का तो होगा ही, क्योंकि रास्ता ही बहुत लंबा है. ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है. तो वीडियो लंबा होगा, ज़रूर देखना. अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना. लॉरी ही लॉरी, सुबह में खाली लॉरी है रास्ता में. लॉरी के अलावा रास्ता में कुछ गाड़ मेरे से कहा था वो अचानक से साला ऐसे ब्रेक मार दी सी लोग. भाई लोग, बहन लोग, जो भी गाड़ी चलाता है, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन टू कीप एन आई ऑन रोड व्हेन एवर यू आर राइडिंग. क्योंकि अभी जैसे मेरा सामने वाले भाई साहब ने ब्रेक मारा जिस तरह से, इट वॉज वेरी फ्रिक्वेंट. और अगर हम ब्रेक नहीं मारते तो हम डायरेक्टली अपना गाड़ी लेकर उसका गाड़ में घुस जाते. तो भाई, जब भी गाड़ी चलाओ हमेशा ध्यान से ही चलाओ और रास्ता पे नज़र रखो. एकदम नज़र घटी, दुर्घटना घटी वाला कांड नहीं करना है. और हाँ भाई, ट्रिप पे निकलने से पहले पूरा गाड़ी का थरो चेक करवाना इज वेरी मच रिक्वायर्ड. गाड़ी में कुछ कमी है नहीं है, क्या है नहीं है, ताकि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए. चचा का लाइट कितना ज़बरदस्त है, एकदम पूरा आँखी में लग रहा है मेरा. भाई वो चांद, भाई वो चांद, सबको चांद को बोलते गाना याद नहीं आ रहा फिलहाल. भाई मेरे भाई बहन को डाटा यहीं से, मेरा घर है उत्तर पारा में, तो मेरा भाई बहन वहाँ रहता है और उनको डाटा यहीं से. और फिर अभी हम जाएंगे विजय घर का सामने से, सोचते रहे तो उसको फ़ोन करके जगा ही दे सुबह सुबह, तो बेचारे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हम दानकुनी क्रॉस कर रहे हैं तो विजया को टाटा बाय विजया. अरे बोलना पड़ेगा, ये स्कूटी वाला ज़बरदस्त टान रहा है. मेरा गाड़ी का स्पीड 80 है, ये कितना में होगा पता नहीं, बट ज़बरदस्त टान रहा है भाई. हम ही को देख कर टानना स्टार्ट किया. जो भी हो, इस भाई साहब से हमको कोई मतलब नहीं है, हम निकलते हैं. ओके, सो व्हाट आई एक्चुअली वांट टू शो एवरीवन, दिस लॉरी भाई, जस्ट लुक एट दिस, कितना बड़ा है ये, कितना सारा चक्का है पता नहीं. इसका तो लग रहा है कि इंजन भी सेपरेट है इसमें. तो सूरज निकल चुका है और जैसे कि देख सकते सूरज मेरे पीछे साइड है. तो मेरा मिरर में नजर आ रहा होगा कि सूरज मेरा पीछे साइड में है. तो
लोग फ़िलहाल रुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। 7:52 हो रहा है फ़िलहाल, और निकल जा भाई निकल जा। हाँ तू लगा हुआ यार यहाँ पे, और मेरा हिमालयन का प्रॉब्लम अभी हो रहा है ये कि भाई मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉल्स मार रहा है। मतलब चलते चलते मेरा 100 का स्पीड से अचानक से ड्रॉप हो गया, स्पीड दिखा रहा है हमको 100 से हो गया डायरेक्ट 20, विच इज़ नॉट रियली गुड। ये मेरा बोल्ट का चार्जर जिसका अभी तक हम वीडियो कंप्लीट ही नहीं किया। हाँ यहाँ पे खाएंगे ब्रेकफास्ट फिर निकलेंगे आधा घंटा। तो अभी हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और हम लोग ब्रेकफास्ट में मंगाए हैं ये आलू पराठा और दही, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन था रोटी हम लोग के पास, तो रोटी खाना प्रेफर नहीं किया, तो इसको खा करके निकलते हैं। वैसे हम फ़ोन को कैमरा को हम अभी कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा कैमरा का स्टैंड लगा हुआ अभी बाइक में, तो हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली बाइक के ऊपर में फिर से ब्रेकफास्ट के बाद। हे गाइस, सो ब्रेकफास्ट हो गया, कौन सा एक थर्ड क्लास होटल था, भूख लगा था, खा तो लिया बट खाना कुछ खास नहीं था। एंड अभी हिमालयन में हुआ है एक प्रॉब्लम स्टार्ट। प्रॉब्लम कुछ ये है कि जो मेरा स्पीडोमीटर है वो ऑटोमेटिक लैप्स खा रहा है। मेरा बोलने का मतलब कुछ ऐसा है कि ऊपर जा कर के, जैसे किसी फॉर एग्जांपल 80 का स्पीड में है गाड़ी, अचानक से वो 40 में ड्रॉप हो जा रहा है, जो कि अभी नज़र भी आ रहा होगा, अभी तो पूरा जीरो में भी चले गया था। हिमालयन का स्पीडोमीटर गया विक्रमपुर, तो क्या वो झारखंड है, क्या ये झारखंड का ये है, पता नहीं क्या है ये। चिरकुंडा 1 किलोमीटर बाद, ऐसे हम बाय रोड पहला बार इतना दूर अकेले जा रहे हैं। फिलहाल कैमरा ऑन हो जाए। ये कुछ तो है, जो भी है बहुत ही खूबसूरत सा है। जो भी है एक नदी है जो अच्छा लग रहा है देख करके, और जो भी है कुछ तो है जो अच्छा है, पता नहीं अभी हम लोग पता नहीं झारखंड ढूके हैं कि नहीं ढूके। हाँ ये झारखंड है, अच्छा मतलब ब्रिज का उस पार था वेस्ट बंगाल, ब्रिज का इस पार है झारखंड, मतलब अभी हम लोग ऑफिशियली झारखंड आ गए। बंदा को मेरा गाड़ी बहुत पसंद आया, बट सियाना बन के हमको ओवरटेक भी कर लिया। इन्फॉर्मेशन ये है कि NH-19 से आने के बाद एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है, और फिर यू टर्न लेने के बाद जो है 900 मीटर
में एक लेफ्ट टर्न लेना है। अभी वो लेफ्ट टर्न इतना मतलब इतना पतला सा जगह से घुसाना पड़ता है गाड़ी को कि समझ में नहीं आएगा कि वो टर्न मिस कब हो गया। तो भाई जो भी आ रहा है थोड़ा ध्यान में रखना कि एक तो बहुत ही पतला सा टर्न होता है जो यू टर्न मारने के बाद लेफ्ट लेना है, और वो पतला होने के बाद फिर बड़ा भी हो जाता है। मतलब वो टर्न डूबने के बाद थोड़ा सा बाजार है और बाजार के बाद फिर रास्ता बड़ा है। हाँ ये नज़ारा भाई ज़बरदस्त है। ग्रीनरी एंड ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। वैसे मेरे टाउनशिप में भी थोड़ा बहुत अगर पेड़ लगा देगा तो ऐसा ही लगेगा मेरा ख्याल से। तो पेड़ का कमी नहीं है बट छोटा छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ का कमी है। अगर बड़ा पेड़ लगा देगा तो ऐसा बराबर हो जाएगा। हम पिछला 10 मिनट से झारखंड का गली में घूमे जा रहे हैं गोल गोल। अभी यहाँ से लेना है हमको राइट लेकर के फिर लेना है लेफ्ट। और ये देखो झारखंड पुलिस बिना हेलमेट का गाड़ी पे मंडराते हुए, हमको पता नहीं क्या लग रहा है यही गाड़ी थोड़ा देर पहले हम देखे थे। हे गाइस, तो सुबह से मेरा मुंह अभी देखने को मिल रहा है। हम अभी रुके थे 2 मिनट का ब्रेक के लिए, थोड़ा पानी पीने का मन था तो सोचे पानी पी ले। और हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ का व्यू, यहाँ से दूर तक जितना सारा खेत नज़र आ रहा है सब सरसों का खेत है। मस्त सा लग रहा है। अरे अपना अपना ब्यूटी, चलते हैं फिलहाल, जल्दी जल्दी जाना है। देखो जेसीबी को ले जाया जा रहा है खुदाई करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम हैं जमुआ देवघर रोड के ऊपर में, और अभी हमको 17 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है। 17 किलोमीटर इस पे जाने के बाद शायद हमें तो ब्रेक लेंगे लंच करने के लिए, क्योंकि पेट में मीठा मीठा भूख लग रहा है फिलहाल हमको। तो वो मीठा मीठा भूख सीरियस वाला भूख मर जाने से पहले पेट को भोजन करा दिया जाए ताकि मेरा पेट अपसेट ना हो जाए मेरे ऊपर में। बस वही और कुछ नहीं। जस्ट एन अपडेट, मेरा बिहार घुसे हुए 15 किलोमीटर हो चुका है और हम लंच भी कर लिए हैं। हम जहाँ पे लंच कर रहे थे हमको वो बंदा बोला कि बिहार घुसा 15 किलोमीटर हो गया। हम बोला ठीक है चलो अच्छा ही बात है। फिर से मेरा स्पीडोमीटर फॉल्स मार रहा है। हमको सही मैकेनिक अगर कोई मिलता तो उसको ज़रूर दिखाते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं हम तो सोचते फिर से रुके का इसका कारोबार ये करके देखें, रुकते हैं देखें क्या कर पाते हैं इसका। फिर से स्पीडोमीटर मर गया है। कितना स्पीड में चला रहे हैं, प्रॉब्लम तो वही है। शायद ढीला था पता नहीं, कट से नहीं आवाज़ किया लॉक होने का। तो हम स्पीडोमीटर का तार को फिर से चेक किए, वो थोड़ा ढीला हमको लगा। हम जब उसको पुश किया अंदर की तरफ तो जो लॉक होने का आवाज़ होता है वो आवाज़ भी आया। तो मे भी शायद जो प्रॉब्लम है वो मेरी फिक्स हो गया है। देखते हैं
है, फिर हमने फिर से उंगली किए हैं। अभी देखते हैं कि प्रॉब्लम फिक्स होता है कि नहीं होता है। अब तक बिहार का नज़ारा का मजा लो भाई लोग। बिहार का नज़ारा का मजा जबरदस्त जबरदस्त। और यहाँ से है 130 किलोमीटर। एस पर गूगल हमको दिखा रहा है 3 घंटा 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, मतलब 5:15 बजे। अभी बज रहा है 2:15, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटा में पहुँच जाएंगे। सॉरी 5:30 नज़र डिफेक्ट। तो अभी देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि हम 5 बजे का पहले ही पहुंचे। अगर जब हम ब्रेक नहीं लेते तो हम अभी तक घर पहुंच गए होते पक्का। हम जितना सारा ब्रेक लिए हैं, दो बड़ा ब्रेक का रास्ता है, पता नहीं छोटा ब्रेक कितना सारा ले लिया, हमको उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर जब भी हम ब्रेक नहीं लिए होते तब हम घर पहुंच गए होते। और अभी हम उतना सारा ब्रेक लिए, दो बड़ा ब्रेक था और 6 छोटा ब्रेक था 15-20 मिनट करके। फिर तेल भरने के लिए भी रुके थे एक बार। तो अभी देखते हैं कि हम कितना देरी में पहुंचते हैं। तो हाँ, गूगल के टाइम के हिसाब से हम पहले ही पहुँचे हैं। तो शुरू है गूगल जितना बोल रहा है उतना टाइम तो हम नहीं लेंगे पहुँचने में। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों के बीच से। मेरा लेफ्ट एंड राइट में दो पहाड़ गया और अभी हम फिर से पहाड़ के बीच में जाने वाले हैं। देख के तो वही लग रहा है, देखते हैं अभी हम कहाँ कहाँ जाते हैं। बाहर का बीच चले जाने वाले अनफॉर्चुनेटली, बाहर हमसे दूर दूर है, बाहर हमसे दूर दूर है। वो जो रास्ता है वो रास्ता पहाड़ पे गया हुआ है, ऊपर में एकदम हिमाचल पर्वत। पहाड़ का साइड से जा रहे हैं, राइट साइड में पहाड़ है, आगे पहाड़। अच्छा आगे स्टीप है, नीचे जाना है आगे, मतलब हम पहाड़ के ऊपर में फिलहाल। हमेशा हम जहाँ पे लंच कर रुके थे वहाँ पे एक बंदा पूछ रहा है कि गाड़ी का मेरा कोई स्पेशल डिलीवरी करता है ना का है कि उसको लग रहा था कि भाई गाड़ी दूसरा दुनिया का गाड़ी है, कोई स्पेशल तस्करी हो रहा है सामान का, इसीलिए पूछ रहा था कोई स्पेशल डिलीवरी होता है ना का। उसको बोले ना रे भाई एरियन का जन सारा स्पीड लिमिट 10, इसमें कोई स्पीड लिमिट है 10 पर रास्ता मस्त है। हाँ हिल स्टेशन का मजा आ गया, इधर लग रहा पत्थर उत्थर कर फेंका है। पहाड़ पे हम गाड़ी चला रहे हैं अभी,
करना एंड अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि भाई कैसा कैसा लगा ये ट्रिप। वाह, हम लोग पहाड़ का बीच से, सही में पहाड़ का बीच एकदम पूरा दार्जिलिंग का प्रैक्टिस यहीं पे हो गया मेरा, और अभी यहाँ पे दिखा रहा कि पहाड़ पे चढ़ना भी है। हाँ यस, आई एम रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा तो हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा एकदम अच्छा से, यहाँ से भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ से भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, दोनों एंगल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी हम। फुल ऑन पहाड़ का मजा, इसी को तो बोलते हैं राइड। अभी तो हमको डबल जोश आ गया है, डबल डबल जोश आ गया है। एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। ये पेड़ तो दिखना बनता है दोनों तरफ, इतना लंबा लंबा पेड़, कितना अच्छा वेलकमिंग वेलकमिंग लग रहा है। हाँ, मजेदार। हाँ कैश दे सकते हैं, डालिए कितना करके तेल यहाँ पे, महंगा है जी इधर, मेरा बंगाल में सस्ता है। झारखंड में, बंगाल में दो बार भरे थे, उधर 4 रुपया सस्ता है उधर। वो तो है, क्या कर रहे हैं जी? छोड़ दिए और मत दिए, नहीं नहीं तेल गिर जाएगा फिर। ठीक है, हाँ अच्छा, नहीं ये उड़ गया तेल। अच्छा, अरे वो लॉरी के कारण गिर गया। अरे हमको हमको जहाँ से गूगल दिखा रहा हूँ उधर से आ रहे हैं, हम क्या करें अभी। अच्छा, पता नहीं हमको हमको जैसे जैसे ये दिखाया हम वैसे वैसे आ गए। छोटा, हाँ पुलिस वाला ही गंडगोल कर दिया। ठीक है, चल दो चल दो चल। हाँ अगर हमरा पता रहता है तो भैया मैथी अरे रास्ता से कैमरा है, कैमरा। चल आ रहे चाचा, हाँ थैंक यू भैया उठाने के लिए। चल मेरे साथ हो गया कांड। ये हुआ कि गाड़ी ले करके हम गिर गए, और हम गिरे इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरा एक लॉरी था, राइट साइड से हमको दूसरा लॉरी लेफ्ट की तरफ चाप दिया, और हम जब कटाने गए तो मेरा हैंडल लेफ्ट साइड का लॉरी का कोई एक पार्ट में टच हो गया, और दोनों का बीच में मेरा गान बना गया। काफी भाषा में अगर हम बोले तो हमको तो चोट नहीं लगा, रोज का पता नहीं, उसका पैर मेरा व्हील और सारी गार्ड के बीच में फंस तो गया था, पर लेग गार्ड के कारण उसका पैर बच गया। अंकल शायद ट्विस्ट हुआ होगा बट अभी उसका समझ में नहीं आ रहा है। So this is Rajinder Pul, first time in my life हम इसका
हम फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ हम इसको बाय रोड कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा जितना बार भी गए हैं अपना गांव, हर बार हम उसको रिवर यस हम हर बार इसको कवर किए हैं बाय ट्रेन। फर्स्ट टाइम फीलिंग गुड, फीलिंग एक्साइटेड। नीचे में है, इसका जस्ट नीचे चलता है ट्रेन, और उसके नीचे में है गंगा नदी। बचपन में पता नहीं कहा उसमें हम लोग एक एक रुपया का सिक्का फेंका करते थे। अभी हम लोग क्रॉस किए हैं टेघरा चौक, और यहाँ से मेरा घर है 5 मिनट का डिस्टेंस में। देखे मेरा बीवी को क्या हुआ, उसके पैर में खूब ना लगा हो। इसमें अभी भी रास्ता नहीं बना यहाँ पे।